प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आइजक न्यूटन के जीवन के बारे में पढ़ा था कि जो आइजक न्यूटन थे वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने जो भी काम वो अपने हाथ में लेते थे उस काम को वो पूरा कर कर ही छोड़ते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उन्होंने संघर्ष देखे थे, फिर भी उनमें जो पढ़ने की लगन थी वो बहुत अटूट थी। तो उनके मामा जी ने वो जिम्मेदारी ली और उनको पढ़ाया, अंत में वो एक महान वैज्ञानिक बने। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा था, आपने घर पर इसको पढ़ा होगा। अब हम करेंगे इसके शब्द अर्थ। तो देखिए बच्चों, शब्द ठान लेना, निश्चय कर लेना। ठान लेने का मतलब होता है निश्चय कर लेना। नक्षत्र, ग्रह और तारे। नक्षत्र का मतलब होता है ग्रह और तारे। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मतलब। अर्थ का मीन्स मतलब। बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था बचपन। बाल्य अवस्था क्या होता है? बचपन। बुद्धि, बुद्धि मतलब कठिन कठिन पर्सन, बुद्धि जो कठिन पर्सन। अब आगे देखिए, अधिकांश, बहुत से। अधिकांश का मतलब होता है बहुत से। भविष्य, आने वाला समय। भविष्य क्या होता है? आने वाला समय। लगन, किसी काम को करने की इच्छा। लगन क्या होता है? किसी काम को करने की इच्छा। रुचि, रुचि का मतलब होता है शौक। रुचि, शौक। अब देखिए, पेचीदा, उलझन पैदा करने वाली। पेचीदा क्या होता है बच्चों? उलझन पैदा करने वाली। देहांत, देहांत का मतलब मृत्यु। देहांत, देहांत का मतलब मृत्यु। कंडील, रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। कंडील क्या होता है? रंगीन कागज की बनी हुई चमकीली चमकीले कागज की बनी लालटेन। आपने देखा होगा जो कलरफुल कागज, जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो उसमें कलरफुल कागज होते हैं, जैसे रेड, येलो, पिंक, तो और उसमें कई चमकीले भी होते हैं पेपर्स, जिनको रंगीन चमकीले कागज कहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे शब्द अर्थ। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और साथ में आपको याद भी करना है, क्योंकि बच्चों, अगर शब्द अर्थ, अगर हमें इनके अर्थ पता होंगे तो हमें याद करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो देखिए, एक बार और कर लेते हैं। ठान लेना, निश्चय कर लेना। नक्षत्र, ग्रह और तारे। अर्थ का मतलब बाल्य अवस्था बचपन। बुद्धि, कठिन पर्सन। अधिकांश, बहुत से। भविष्य, आने वाला समय। लगन, किसी काम को करने की इच्छा। रुचि, रुचि ये मतलब शौक। पेचीदा, उलझन पैदा करने वाली। देहांत, मृत्यु। देहांत का मतलब होता है बच्चों मृत्यु। कंडील, रंगीन चमकीले कागज की बनी लालटेन। क्या होता है? रंगीन कागज की बनी लालटेन। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे शब्द अर्थ पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो देखिए, हमारा अभ्यास कि न्यूटन की माँ, जो न्यूटन की माँ है, न्यूटन की माँ ने किससे पुनः विवाह कर लिया था? तो हम उत्तर नंबर एक लिखेंगे। उत्तर नंबर एक, न्यूटन की माँ ने दोबारा शादी किससे करी थी? बेटो, बच्चों, आपने पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर आता होगा, तो बताइए जल्दी से। हाँ, क्या है? वेरी गुड, पादरी। न्यूटन की माँ ने पादरी से पुनः विवाह कर लिया था। पुनः मतलब दोबारा, पुनः विवाह कर लिया था। अब आगे है प्रश्न नंबर दो, कौन प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है? तो बच्चों, कौन प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है? तो उत्तर नंबर दो लिखेंगे, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है।
अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन, उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 कि न्यूटन ने 12 साल की अवस्था में क्या बनाया था। तो उत्तर नंबर 3 लिखेंगे, न्यूटन ने 12 साल की अवस्था मतलब उम्र, 12 साल की उम्र में या अवस्था भी लिख सकते हैं, 12 साल की अवस्था में एक हवाई चक्की और एक हवाई चक्की और एक घड़ी बनाई जो किसे चलती थी बच्चों, जो पानी से चलती थी। तो ये हो गए हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ कि न्यूटन की लगन देखकर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी किसने ली थी। तो हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 4 किसने ली थी बच्चों, न्यूटन के मामा जी ने। जब न्यूटन के मन में क्या थी, पढ़ने की क्या थी बच्चों, लगन थी। उन्होंने देखा न्यूटन को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और उन्होंने उस शौक को, तो उन्होंने उसकी इस लगन को देखकर कहा कि न्यूटन को अब मैं ही पढ़ाऊंगा और खेती बाड़ी के काम से उन्हें आजाद कर दिया। तो हम लिखेंगे न्यूटन की लगन को देखकर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मामा ने ली थी। किसने ली थी बच्चों, मामा ने ली थी और यहाँ की जगह क्या आएगा, ली थी। तो इस तरीके से ये हमारे जो मौखिक के प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। तो बच्चों इस आपको ये जो हमारे मौखिक के प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। अब देखिए कि न्यूटन को इसके हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूटन की माँ ने किससे पुनः विवाह कर लिया था। तो न्यूटन की माँ ने पादरी से पुनः विवाह कर लिया था। कौन प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने 12 साल की अवस्था में क्या बनाया था, तो बच्चों न्यूटन ने 12 साल की अवस्था में एक हवाई चक्की और एक घड़ी बनाई जो कि पानी से चलती थी। अब देखिए न्यूटन की लगन को देखकर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी किसने ली थी, तो न्यूटन की लगन को देखकर उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मामा जी ने उसके मामा ने ली थी। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको अपने होमवर्क में करना है और इसको साथ में याद ही करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों इस तरीके से हम कल इसके लिखित और सही बाकी के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और हम कल फिर आप इसकी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखिएगा और याद भी कीजिएगा, ताकि जब हम कल प्रश्न उत्तरों को करें, लिखित प्रश्न उत्तरों करें, तो आपको ये जो पहले वाले क्वेश्चन आंसर है याद रहे। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।